दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, हमारे आसपास वो घूमते रहती है, हमारे पास रहती हैं, लेकिन हम कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, ना ही हम जानना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीपीएस के बारे में। जीपीएस जो आज हमारे स्मार्टफोन्स में होते हैं, जीपीएस हमारे पास हमेशा रहता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम अपने गूगल मैप को ऑन करते हैं तो हमें जीपीएस ऑन करने के लिए कहा जाता है, और हम जीपीएस को ऑन करके लोकेशन का पता करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा है जीपीएस है क्या, ये काम कैसे करता है, ये कब बना, इसे किसने बनाया, क्यों बनाया? चलिए दोस्तों, हम आज इस पर बात करते हैं। दोस्तों हमारे ये वीडियो को पूरा देखिए और जानिए जीपीएस क्या है, कैसे काम करता है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आप पा सकें सबसे पहले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूँ जीशान, स्वागत करता हूँ आपका डिजिटल क्लास चैनल में। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और ये जो है लोकेशन की पता लगाने में काम आता है, या किसी चीज़ की दूरी या समय को बताता है। दोस्तों सबसे पहले जो है इसका इस्तेमाल 1960 में डिफेंस डिपार्टमेंट ने यूएस आर्मी के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन 27 अप्रैल 1995 के बाद से इसे पब्लिक कर दिया गया, यानी सारे लोगों के लिए आम कर दिया गया। और आज दोस्तों हम देखते हैं कि सारे स्मार्टफोन्स में, ये जितने भी फ़ोन से मोबाइल में, इसका इस्तेमाल आज लोकेशन का पता लगाने में, या किसी चीज़ को नेविगेशन करने में, या रास्ता खोजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जीपीएस का अधिकतर इस्तेमाल दोस्तों आज ट्रांसपोर्ट में किया जाता है, ताकि नेविगेशन के जरिए हम किसी भी जगह की दूरी को पता लगा सकते हैं, किसी भी स्थान तक पहुँचने का रास्ता हम पता लगा सकते हैं। और जीपीएस जो है रिसीवर से जुड़कर सेटेलाइट से डेटा को प्राप्त करता है और उसकी गणना करता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम मेन टॉपिक पे कि जीपीएस काम कैसे करता है। जीपीएस सेटेलाइट की मदद से काम करता है, जिसके लिए अमेरिका ने 50 से भी ज़्यादा जीपीएस सेटेलाइट लॉन्च किए हैं। वह सेटेलाइट 24 आवर्स पृथ्वी पर सिग्नल भेजते रहते हैं। उन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए हमें एक जीपीएस रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है। जीपीएस रिसीवर लोकेशन का अनुमान पृथ्वी के ऊपर घूमने वाले जीपीएस सेटेलाइट के समूह के द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल के आधार पर करता है। हर एक सेटेलाइट 24 आवर सिग्नल भेजता रहता है। रिसीवर उन सिग्नल्स का टाइम और उस सेटेलाइट का डिस्टेंस भी रिसीव करता है। रिसीवर बेहतर रिजल्ट के लिए 4 सेटेलाइट का यूज़ करता है, उपयोग करता है, जिससे यूजर्स की डायमेंशनल पोजीशन, यानी उसका लेटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, यानी हम हिंदी में समझे तो अक्षांश, देशांतर रेखा और उन्नतांश, उसके बारे में वो पता करता है। एक बार जीपीएस सिस्टम को जीपीएस डिवाइस का लोकेशन पता चलने के बाद वो डिवाइस की अन्य जानकारी फाइंड करता है, जैसे कि उसकी स्पीड क्या है, वो ट्रैक करता है उसे, ट्रिप क्या है, उसकी दूरी क्या है, उसकी जगह की दूरी क्या है, वहाँ का सूरज उगने का टाइम, डूबने का टाइम, इसके बारे में, यानी डिवाइस की पूरी जानकारी वो इकट्ठा करता है, और वो उसको रिसीव जो करता है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन फिर दे देता है। इस तरह से दोस्तों जीपीएस जो है सेटेलाइट की मदद से किसी चीज़ को भी ट्रैक करता है, आसानी से उसकी दूरी को जांच लेता है। इस टेक्नोलॉजी में से दोस्तों जीपीएस काम करता है। शुरुआत में ये सिर्फ आर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब ये कई सारे फील्ड में इस्तेमाल होता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, कार्टोग्राफी, ऑटोमेटेड व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, फ्लिट ट्रैकिंग, जियो फेसिंग, जियो टैगिंग, जीपीएस एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग, डिजास्टर रिलीफ, इमरजेंसी सर्विस, सर्वे करने में, ज़मीन की मैपिंग करने में, हम बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों जीपीएस आपके काम कैसे आ सकता है, आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं ऑन टाइम, चलिए हम आपको बता रहे हैं। पहला है बच्चों की निगरानी करने में। जीपीएस की मदद आप अपने बच्चों के आसानी से नज़र रख सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रैक आईडी या लेट्स ट्रैक की जरूरत पड़ेगी। इसे आप अपने बच्चों के बैग या कपड़ों पर लगाकर लोकेशन की आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों फ़ोन को ढूंढने में। जीपीएस की जो ये सुविधा है आप अपने फ़ोन को ढूंढने में कर सकते हैं। हमारे फ़ोन में, सारे स्मार्टफोन में एक फीचर है फाइंड माई फ़ोन, उससे आप लोकेशन को ट्रैक कर अपने फ़ोन को आसानी से खोज सकते हैं। और दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जिससे आपका फ़ोन अगर कहीं चोरी हो जाता है आप उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो हमारे ये वीडियो को जरूर देखिए, ऊपर आई बटन है और नीचे मैंने उसका लिंक भी दे रखा है, ज़रूर देखिए दोस्तों। तीसरा है कार की सेफ्टी। दोस्तों कार की सेफ्टी भी आप इस ट्रैक की वजह से कर सकते हैं, जीपीएस की मदद से कर सकते हैं। अगर आप अपने कार में
इसे यूज करते हैं तो आप उसे लोकेट कर सकते हैं, और सेम चीज़ आप अपने बाइक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो GPS क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।